हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे संस्कृत का जो है एक और प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने आपको संस्कृत का प्रैक्टिस पेपर डिस्कस कर दिया था जो एक डीओई से इशू किया गया था, ठीक है। तो आपका 40 मार्क्स का टर्म सेकेंड का आपका एग्ज़ाम है और कैसा कैसा पैटर्न आएगा, कैसा सिलेबस आएगा, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपकी पैसेज आएगी, ठीक है। तो आप इस पैसेज को पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चन को पढ़िए, ओके। फिर आपको इनके आंसर देने हैं। देखो, एक पद इनका मतलब होता है केवल आपको एक वर्ड लिखना है, ठीक है। आंसर भी आपको दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि इस समय आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और आपको ये आइडिया लेना है कि कैसे आप करेंगे। देखिए, पहला है दिलीप कया सह गो सेवाम अक्रोत। जो दिलीप है ना, वो किसके साथ गो की सेवा करता था। तो आपको ये जो मिलते जुलते वर्ड्स हैं ना, ये ढूंढने हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये मिल गया है, आप देख सकते हैं ये लिखा, ठीक है। तो वो अपनी पत्नी के साथ जो है वो 21 दिन तक वो गाय की सेवा कर रहा था, ठीक है। फिर इस तरीके से, तो आपको केवल एक वर्ड में लिखना आंसर, ठीक है। तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए ऐसे ही ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इनका केवल एक ही वर्ड में आंसर है, ठीक है। तो आपको इनमें से ढूंढना होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए पैसे सेम तो आते ही नहीं है। तो मैं आपको केवल एक आइडिया देने के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको और जो है प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो, बाकी अब ऐसे इसके क्वेश्चन है, फिर इसके आंसर आप ढूंढना, ठीक है। अब मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ मैच कैसे करना है। जैसे यहाँ पर है ना, सूर्यवंशी सर्वप्रथम का नृप अवत, जो सूर्यवंशी है ना, तो उसमें सबसे पहले कौन राजा बना था। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा, ठीक है, मनुर नाम है ना। तो एक ही वर्ड लिखना है, ये देखिए लिखे ना सारे आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट में ना पूर्ण वाक्य ना, मतलब पूरी लाइन लिखनी है और आपको इसमें ढूंढनी है। मैं एक एक दो दो एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा, गुरु वशिष्ठ किमर्थम नंदिनया सेवार्थम आदिशत। तो आपको ढूंढना इसमें कहाँ है, आप ध्यान से देखेंगे ना। तो यहाँ देखो, गुरु वशिष्ठ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ढूंढिए यहाँ पर कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका आंसर जब आप देखेंगे ना, आपको यहाँ पर देखो पूरा मिल जाएगा, ये देखिए। तो अभी पूरा लिखेंगे, तो पूर्ण वाक्य में पूरा लिखना होता है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही आप ये जो पूर्ण वाक्य हैं इन तीनों को आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, पूर्ण वाक्य लिखते हैं तो आपको पूर्ण वाक्य मतलब तो पूरी लाइन आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो जब आप पूरी लाइन लिखेंगे तो जैसे लिखे, गुरु वशिष्ठ किमर्थम नंदिनया सेवार्थम आदिशत, तो किसकी नंदिया को लेकर आए थे वो, मतलब जो किस लिए लेकर आए थे ना गुरु वशिष्ठ जी। तो वो यहाँ गुरु वशिष्ठ संतति प्राप्त, संतति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि राजा दिलीप की कई समय से संतान नहीं हो रही थी इसलिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं दिखा रहा था आपको, तो ये देखिए, एक एक समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है कि आपको, ठीक है, ये तो आप कर लोगे ना, पूरा पूरी लाइन आपको ढूंढनी है, पूरी पूरी इससे मिलती जुलती लाइन क्वेश्चन में ढूंढ लेना, मतलब पैसेज में ढूंढ लेना। फिर उसके बाद है, अस्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, मतलब आपको उचित शीर्षक लिखना है, क्योंकि ये कहानी पूरी किसके ऊपर है, ठीक है। तो आपको कहानी जो है, अगर आप आराम से पढ़े तो दिलीप के बारे में ज़्यादा बात की गई है, ठीक है, राणा दिलीप के बारे में ज़्यादा बात की गई। तो आप दिलीप लिख सकते हैं, राणा दिलीप लिख सकते हैं, ठीक है, आप कोई और भी लिख सकते हैं, बस वो उचित होना चाहिए, कहानी उसके ऊपर होनी चाहिए। नहीं समझ आए तो लास्ट की लाइन या फर्स्ट की लाइन में से जो आपको सही लग रहा हो या जो सबसे ज़्यादा वर्ड रिपीट हो रहा हो उसको ध्यान में रख के लिख दें। चलो आंसर देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा राणा दिलीप दिलीप, ठीक है ना, जो ज़्यादा रिपीटेड है तो उसी के बारे में कहानी होगी। अब हम आगे देखते हैं, उसके बाद है कि यहाँ पर आपको
इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। आक्रामेत, तो यहाँ पर इत्यस्य क्रियाया कर्तृपदम किम, ये कर्तृपद का मतलब तो ये इसे कर्ता कारक कौन है, ये किसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। आक्रामेत, देखिए जैसे यहाँ कर्तृपद बोल रहा है ना, तो ये जब हम इसे कर्तृपद बोलेगा ना, तो आप ये देखना ये कहाँ पर है, देखिए कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, ये ला है ना, तो ये किसके लिए जो सिंह के लिए, तो इसका आंसर सिंह आ जाएगा, ठीक है। ए का सिंह भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो सिंह। बाकी आंसर आपको दिखाता हूँ, पहले समझ लो एक बार, उसके बाद है क्षमाशीला, ठीक है। तो यहाँ पर बोला इति पद से विशेष्यम गद्यांशात चित्वा लिखित, तो आपको जो क्षमाशील दे रखा ना, इसका आपको विशेष्य बताना, मतलब ये किसके लिए जो है, ठीक है। नॉर्मली जो जैसे क्षमाशील पहले ढूंढिए, वो क्षमाशील कहाँ पर है, आप देखिए क्षमाशील है तो विशेषण इसके आगे पीछे मिल जाता है, लेकिन ये भी सब विशेषता बता रहे हैं, ये किसकी बता रहे हैं, सा की, सा कौन है, दिलीप होगा, है ना। तो आप दिलीप लिख सकते हो, सा लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप आंसर देख लो, ये देखिए, ठीक है, और पहले वाले का भी देखो, वही है ना, आगे देखो। उसके बाद है वंशे इत्यस्य पदस्य का पर्याय अत्र आगत, तो यहाँ जो वंशे है ना, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो वंशे का क्या होगा, कुले होगा, कुल है ना, तो ये तो आसान था, मैंने आपको आंसर भी इसमें दिखा दिया था अभी, ठीक है। तो बाकी आपको सेम मीनिंग ढूंढने के लिए थोड़ा बहुत आपको उसकी हिंदी भी आनी चाहिए, ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। उसके बाद नेक्स्ट है कि अनुच्छेद अलसा पदस्य की विपर्य आगत, अलस का क्या मतलब, आलसी होना ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है, उद्यता मतलब मेहनती, ठीक है, इसी में यहाँ पर लिखा होगा। और देखो ऐसा पहचानना होता है ना, तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ अलसा या लिखा है ना, ठीक उसी तरीके से आप ढूंढिए कि ऐसा कौन सा जहाँ पर विसर्ग लगा हो, ठीक है, और अलस का उल्टा, वैसे आपको पता है आलसी होता है, आलसी का क्या होगा कि जो आलस नहीं करते हैं ना, तो यानी कि जो उद्यमशील होते हैं, ठीक है, तो वो आपको इसमें ढूंढना था, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने जो है आप पठित समझ लिया है। उसके बाद देखिए आपकी आएगी, ठीक है, एक लेटर आएगा, और उस लेटर में ना आपको खाली स्थान दिए होंगे, और फिर उसको आपको करना होगा। देखिए कुछ हिंट तो हमें क्वेश्चन में से मिल जाती है कि संजय छात्र से, संजय एक छात्र है, ठीक है, तेन पितरम प्रति अधोलिखितम पत्र मंजूषा प्रदत्त पदय पूर्वयित्वा तत्पत्रम पुनः लिखत, तो अब वो अपने पिता के प्रति पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको दिनांक डालनी है, तो यहाँ पूज्य, यहाँ पर क्या किया जाएगा, जब पूज्य पिताजी होते हैं तो क्या करते हैं, और आपको हिंट यहाँ पर नीचे दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पिताजी से रिलेटेड कौन है, ये रहा पितृ महोदय, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया। उसके अत्र क्या आएगा, यहाँ पर ही आपने बहुत पढ़ा होगा, अत्र कुशलम तत्रास्तु, कि यहाँ सब कुछ कुशलम वहाँ भी है, है ना। बाकी देखिए मैं आपको ये पूरा पत्र दिखा रहा हूँ, ठीक है, और इसके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर कुशल है सब, ठीक है। इदम विज्ञाय भवान अति प्रसन्न भविष्यति यद अस्मिन वर्षे अहम दशम कक्षायाम, और देखिए इस तरीके से पत्र हैं, इसके आंसर हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया है कि दसवीं कक्षा में उसके 90% मार्क्स आए हैं, और वो उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया है, ठीक है। इस अवसर पर जो है मंगलवार को क्या होने जा रहा है, कि एक सम्मान समारोह भी होने जा रहा है, ठीक है, और जो आपको मतलब सादर सूचित किया जाता है कि आप ज़रूर आना, ठीक है, और उत्साहवर्धन बढ़ाना, ठीक है, मतलब, और माता जी को जो है वो चरण वंदना, ठीक है, प्रणामांजलि देना, इस तरीके से स्नेह पात्र हम आपका संजय, ठीक है, इस तरीके से है ये। देखो जो पहले आपको आए ना वो आप कर लेना, जैसे भवता वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन है, यहाँ पर बच्चे का नाम ही आएगा,
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में आपको हिंट ऊपर से मिली जाती है कि आप कौन हो, संजय छात्र अस्ति। पर जब आप देखते हैं यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दे रखा, तो ये है ना स्नेह पात्रम, आपके स्नेह का लायक, और संजय नीचे दे रखा है, ठीक है, संजय नीचे दे रखा था बच्चों को, ठीक है। तो आपका जैसे प्रिय होता है ना, प्रिय, तो आप प्रिय के लिए स्नेह लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और आप सारे भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, आप देख सकते हैं ये चित्र आएगा, चित्र के आधार पर आपको जो है फाइव लाइन्स लिखनी है, ठीक है, लिखा पंच वाक्यानी। तो आप यहाँ से हिंट लेंगे, ठीक है, और आराम से लाइन लिख देंगे, बाकी आपको आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में दे दिया, ठीक है, बाकी आप बहुत इजी भी कर सकते हैं, बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप लिख सकते हो इदम चित्रम डैश अस्ति, तो इस चित्र में डैश है, तो उपवनस्य हो गया, ठीक है। फिर इदम चित्रम लिख, अस्मिन चित्र डैश अस्ति, एक चीज़ है तो अस्ति लगाना, दो चीज़ें तो स्था लगाना, ठीक है, और दो से ज़्यादा तो संति लगा देना, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से इसे कर पाएंगे। और अत्र अनेका क्या ये पशु वसंती, तो बहुत सारे जानवर आए, तो जंत वाले का तो जंत वसंती लिख दोगे। एक एक नदियाँ बहती, एक नदी जो है वो बहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद अथवा है, ठीक है, आप जो है तपोवनम के बारे में आपको अनुच्छेद लिखना है, आपको हिंट दे रखी है, दोनों में से एक करना होगा आपको। और ये देखिए, ठीक है, लिखा हुआ है। उसके बाद आपको ना यहाँ पर ये दे रखा है, आपको संस्कृत में लिखना है, उद्यान में फूल खिल रहे हैं, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन। तो आप इसको संस्कृत में लिखेंगे इन पांचों लाइन्स। तो वैसे इसका क्या होगा, उद्याने पुष्पाणी विकसंती, है ना। चलो आंसर देख लो सारे। देखो अगर किसी बच्चे ने खिलंते लिख दिया तब भी सही है, और बाकियों की आप यहाँ पर संस्कृत देख सकते, पहले खुद ट्राई करना फिर मैच कर लेना। पाँच नंबर की ट्रांसलेशन आ रही है, सुन रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, देखिए आपको केवल पांच ही करनी है, ठीक है, और यहाँ दे रखी सात हैं। उसके बाद ये आपकी किताब में से आएगा, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पार्ट आएंगे, तो वही एक पर दिन एक बार लिखना है, पूर्ण वाक्य मतलब पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। इसका आंसर देख लो, पहले खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, ये आप देख लीजिए। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है, हो सके तो शेयर भी करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके बाद देखो ये आपका जो है ना बुक से ये दोहा है, वो एक पद मतलब एक वर्ड में लिखना है, पूर्ण वाक्य मतलब पूरी लाइन में लिखना है, ऐसे आप देख लीजिए, छठे के आंसर हैं, ठीक है। उसके बाद सातवां देख लेते हैं। सातवें क्वेश्चन में ना आपका जो नाट्यांशम जो पाठ है, नाटक दिया गया है, तो वो भी आपकी बुक से है, तो आप बुक के साथ चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि तभी आप इन एक पदिन और पूर्ण वाक्य की कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई सा भी हो सकता है। हालांकि इसमें आप ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इजीली फटाफट पेपर कर पाएंगे, एक दिन है लेकिन बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, ठीक है। और पूर्ण वाक्य मतलब पूरी लाइन लिखनी है, इसका आंसर देखो, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद हम आ जाते हैं आठवें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये अनव्यय होते हैं, ठीक है, देखिए कभी तो बहुत ईजी आ जाते हैं, कभी टफ हो जाते हैं। तो आपको जो ये लिखा होता है ना, इसको हम एक्सप्लेन करके सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इसका मीनिंग पता लग जाता है तो आप इजीली कर पाते हैं, ठीक है। बाकी बुक में जो भी दे रखे हैं ना अनव्यय वाले नीचे लिखे होते हैं, वो आप एक बार पढ़ लें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो सके। अब जैसे यहाँ लिखा है पगत सत्तम, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आप सोचेंगे जो पतंग सत्ता में यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पर वर्णन आ जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है ना इसमें, ठीक है, ये हमें दे रखे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ भरना है, और उसका एक सेंटेंस का मीनिंग वही बनना चाहिए जो दोहे में बन रहा है, ठीक है। अब आप इसका आंसर देख लो, उसके बाद आप करना। और आप इसको इजी करने के लिए जैसे इसे आप काटें, ठीक है, जैसे आपने इसे काट दिया तसे तसे, और ये यहाँ से कट गया, उसके बाद टू से टू कट गया, उसके बाद बहुधा से बहुधा कट गया, और चकार से चकार कट गया, तो बचे क्या क्या, एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक गात्रे बचा है,
ठीक है, और एक बचे वर्णन पत्र, ठीक है, तो आपको ये भरना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों आपको पता है कौन कौन से भरने हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं और इसको सेंटेंस का आपकी मीनिंग आ गया तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप बुक की हेल्प लेना। ठीक है, बाकी आप आंसर देख लो, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और में आपके जो है ना वो आएगा भावार्थ। ठीक है, मतलब भाव प्रकट करो। देखो अन्वय में तो सेम सेम सारे वर्ड मिल जाते हैं ना, लेकिन भाव में क्या होता है उसमें बहुत सी नई बातें ऐड की जाती हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक इसी में से हेल्प मिल जाएगी आपको, क्योंकि मंजूषा तो आपको दे ही रखी है। अब आप इसका आंसर देखो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये रहे। ठीक है, बुक से है ना, एक बार बुक के सारी लैंग्वेज जो भी नहीं एक बार पढ़ लो। ठीक है, कि जैसे जटाई रावण को क्या कहता है, अहम वृद्धाश्मी, मैं तो बूढ़ा हूँ। ठीक है, इस तरीके से बहुत सी, अब मैं अभी ना चैप्टर्स के बारे में नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। देखिए, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपने चैप्टर सारे पढ़ रखे हैं तो उल्टी सीधी कहानी लिखी इसको सीधी करनी होगी। इस कहानी जो आपको सीधी करके लिखनी होगी, उल्टी सीधी जो कहानी है। ठीक है, तो आप ये हेल्प के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। ठीक है, क्या पता इनमें से कोई सेम आ जाए। पिछली बार भी आपको पता है मैंने काफ़ी जो टर्म फर्स्ट में भी काफ़ी वीडियोस जितने भी प्रैक्टिस पेपर थे तो उसमें काफ़ी हेल्प हो गई थी। ठीक है, चलो अब इसका आंसर देखो। तो ये है इसका आंसर, और ठीक है चैप्टर है उसकी पूरी स्टोरी आपको अगर पता है कि लाइन, तो उन्हीं लाइन में से कोई लाइन आठ उठाएंगे, उसे उल्टा सीधा कर देंगे, आपको सीधी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना बहुत है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।